अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक आम शॉप पे, सदर लकी स्टार के एक बहुत बड़ी शॉप है आम की। तो हम इसका एक रिव्यू कर लेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सा असला इनके पास अवेलेबल है। तो आइए देख लेते हैं, शॉप के ऑनर से मिल के बात कर लेते हैं। आइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल खान है। ठीक है, अपनी शॉप का भी पूरा नाम बता देगा और हमारा एड्रेस भी बता देगा। लकी स्टार सदर सर्जिकल मार्केट, शॉप नंबर 2, किंग ट्रेडर कॉर्पोरेशन के नाम से हमारी दुकान है। अच्छा सर, असले आपके पास कौन किस्म के आपके वेपन्स पड़े हैं यहाँ पे? हमारे पास सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई ये ना बालिग लोगों के लिए असला नहीं है। जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए हमारा शॉप खुला हुआ है बाकायदा कानूनी कार्रवाई के साथ। ठीक है, लाइसेंस जिसके पास होगा तो हम उसको वेपन अवेलेबल कर सकते हैं। ओके सर। तो हमारे पास फार्म मेड का भी होते हैं, पाकिस्तानी भी है, पेशावर, दर्रा और फार्म मेड का, तुर्की, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, सब इंशाल्लाह आपको इधर मिलेगा। ठीक है, तो दिखाइए सर कौन कौन से। दिखा देते हैं सर, सबसे पहले हम आपको जो है पाकिस्तानी वेपन दिखा देते हैं सर। ये सारे हमारी कंपनी का बना हुआ वेपन है। ठीक है, पहले पाकिस्तानी देख ले, उसके बाद दूसरे देख लेते हैं। बिल्कुल, फार्म के, इसके बाद फिर फार्म मेड के दिखा देंगे सर आपको। ठीक है, दिखाएंगे सर। सबसे पहले आप ये DR1 दिखाओ भाई को सर। ये DR1 पिस्तल है 9mm। ठीक है, ये है 14 राउंड इसमें आ जाते हैं। ये हमारे कंपनी के पेशावर में बना हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान का अपना, ये हमारे पाकिस्तान का अपना बना हुआ, अपना एक सोच, अपने अपने अंदाज से बनाया हुआ पिस्तल। ठीक है, ये फार्म मेड किसी में भी नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का अपना एक शेप दिया हुआ है। ठीक है, ये मेड इन पाकिस्तान है। ठीक है, ये मेड इन पाकिस्तान है जी। इसकी क्या प्राइस है वैसे? ये सर, ये आपको मिलेगा 45,000 जी। फाइनल 45 है या इसके रेट में पॉइंट डाउन होएगा? 19-20 हो जाते हैं कस्टमर के साथ, उसके जहन हम देखेंगे ना तो हो जाते, अरेंज कर लेते। फिर इसके बाद ये ब्रीटा सबसे मशहूर शेप अंदर से लेकर उसे, ये है DR1 जी जी, DR1 पिस्तल है ये हमारे पाकिस्तान का अपने एक मेड है। ठीक है सर, बहुत स्मार्ट है। ये भी पाकिस्तानी पिस्तल है सर, M9 मॉडल है। ठीक है, ये बाकायदा इसका शेप जो इटली का कॉपी किया हुआ है पाकिस्तान ने। ठीक है, ज़बरदस्त पिस्तल है। नहीं, क्या प्राइस है सर? ये मिल जाते 50,000, 60,000, 45,000, 40,000, इसमें फिर कंडीशन मिलते हैं, क्वालिटी मिलते हैं। क्वालिटी के हिसाब से कितने इसके रेट हो जाएंगे? इसके पैनल आपको मिलेगा सर 40 से 35, 45। ठीक है, और दिखाइए कौन से आपके पास है सर? इसके अलावा सर ये आप चेक करो, ग्लॉक पिस्तल दिखाओ भाई को। ये सर ऑस्ट्रा का कॉपी बना हुआ है, ये भी मेड इन पाकिस्तान है, ये भी मेड इन पाकिस्तान है, अमेरिका का कॉपी बना हुआ है सर, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है जी जी। ठीक, इसे क्या प्राइस है सर? ये 50,000 के सर। फाइनल 50,000 जी जी जी। ठीक है, अच्छा इसके और कोई खास दिखाइए क्योंकि इसके अलावा सर ये हमारे पास जो है ये 223 मिल जाएगा, ये हमारे पाकिस्तान का बना हुआ है, ये 90% मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन पाकिस्तान है, 90% ये जीनियन है सर। क्या बात है यार, ये 223 कौन सी गन है? ये सर 223 राइफल है। 223 जी जी। ठीक है, इसे क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा सर 2,30,000 रुपये। 2,30 है, और कितना डिस्काउंट इसमें है? इसमें डिस्काउंट हो जाते हैं सर 10,000-20,000 तक डिस्काउंट हम करवा देते हैं, लेकिन उनके फिर बंदूकों का अपना एक मटेरियल के हिसाब से हो जाता है। अच्छा जी जी। अच्छा, कौन सी नाम दोबारा बताइएगा इसका? क्या सर ये है? 223 223 जी जी। ठीक है, मेड बाई पाकिस्तान, मेड बाई पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा ये गन कौन सी सर? सर ये है तुर्किश बाराबोर, तुर्की की है, ये तुर्किश है सर, ये फार्म मेड में फिर तुम्हारा हो जाए। ओके, ये 12 बोल रहे सर, 12 है जी जी। ठीक, इसे क्या प्राइस है? ये सर मिलेगा आपको 1,00,000 रुपये। 1,00,000 जी जी, मुनासिब रेट है, बस कम रेट पे अच्छा चीज़ मिल रहा है ना सर। अच्छा, और दिखाइए सर, सॉरी दिखा देते हैं सर ये। अच्छा, ओल्ड गन्स भी होती हैं आपके पास कुछ? नहीं सर, वो हमारे पास नहीं है
जी एक ये हो गया सर, ये भी 223 राइफल है, 223 ये हम, ये भी हमारे पेशावर का बना हुआ है। अच्छा, मेड बाय पाकिस्तान है। ये मेड बाय पाकिस्तान है। इसे क्या प्राइस है? ये सर 60,000 का 60 है जी। जी फाइनल कितने हो जाएंगे इसके? फाइनल इसका 55,000। 5,000 डिस्काउंट का? जी जी 5,000 डिस्काउंट। ठीक है। ये फिर आपके पीछे बैक साइड पर सर ये 12 बोर है? सर ये 12 बोर है, पाक मेड का बना हुआ है ये सब। ये भी न्यू किला, ये ओल्ड गन जी? ये गन है जी? जी ये भी गन है सर। नहीं है ये पुरानी, मतलब मॉडल है ये? पुराने मॉडल है। वन नाली ये दिखाइए बेटा, ये गन दिखाएगा। ये कौन सी गन है सर? ये सर 12 बोर, इसमें बारह बोर है। हाँ 12 बोर के राउंड आ जाते हैं इसमें, है वन नाली। अच्छा ये पुराने स्टाइल लग रहा है ये काफी? ये पुराना स्टाइल है सर, है ना? हाँ बस ये डेकोरेशन के लिए जबरदस्त है। अच्छा मतलब ये मतलब सही है, मतलब ये गन बिल्कुल सही है सर, इस पे बंदा शिकार भी कर सकते हैं। अच्छा जी 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 सही, ये रहिएगा। अच्छा ये गन दिखाइए, छोटे वाली छोटी। हाँ सैयद आ जाओ भाई, को ये एयर गन है दिखाऊँ? ये सारे एयर गन है? ये सारे एयर गन है सर ये। और नीचे जो पड़ी वाली? ये 30 बोर है सर। 30 बोर है जी जी, 30 बोर MP5 ऐसे। ये 30 बोर दिखाइएगा पहले। ये 30 बोर कम्पैक्ट MP5 है, ये भी पेशावर का बना हुआ है सर। अच्छा ये भी पेशावर का है? जी जी। क्या प्राइस है इसके? सर ये 30,000 का। 30,000 जी जी। ठीक है। अच्छा एयरगन कोई और अच्छी से दिखाइएगा मुझे। एयरगन सर हमारे पास स्प्रिंग वाले भी मिल जाएगा, PCB भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास होते हैं हर चीज़ अवेलेबल होते हैं सर। एयरगन दिखाओ सर को, एक दो वो कॉर्नर पे जो पड़ी है ब्लैक वाली को दिखाइए, जो ब्लैक पड़ी हुई होगा अंदर से लगा लो सर को। ये वाला ब्लैक दिखाओ जो तुर्की का बना हुआ है, ये दिखा दे लेफ्ट सबसे लास्ट वाला। ठीक है सर। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है इसकी? इसकी रेंज ज़्यादा होती है सर। ये है एयर गन निकला ये? हाँ बिल्कुल एयर गन है सर, ये कम से कम 100 फुट इसकी है। जी जी 100 फुट रेंज है इसकी। इसकी क्या प्राइस है? ये सर ये 40,000 के। 40,000 जी जी। ये टूर के शायद लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं इसके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस ऐसा है कि कैनो के लिए कोई बंदा शिकार का शौकीन हो तो वो कर सकते हैं सर। तो उसके लिए कोई मतलब ऐसे ना कोई कुछ लगा दे वो कुछ दफा हुआ रखा ले? नहीं नहीं इसका चर्रा जो है नुकसान देने भी होता है, कुछ जानदार कोई जानदार ना जान लेने वाला चीज़ नहीं है सर। जख्मी कर दे खाली, इंजरी की जख्मी भी नहीं कर रहा था क्योंकि ये बना हुआ है, वो बंदा लेते जो शिकार का बंदा होता है ना सर, कोई बंदा ले लेते जी। चले ये देखिए सर। अच्छा कुछ और नीचे आपके पास पड़े? नीचे गन भी पड़े, पिस्टल एक कैसे नीचे पड़ा ना आपके पास? एक जी सर ये हो गया, नाइफ है यहाँ पे बस, और एक गन भी पड़ा है ना? गन भी पड़ा है आपके पास? जी जी जी, वो तो मेरा अपना सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है। जी 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 ओके, ये तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है सर। ये कहाँ के सर? ये सर हमारे कंपनी का बना हुआ है ग्लॉक पिस्टल है, D2 पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान सर। इसे क्या प्राइस है वैसे? ये कोई सर ऐसे अगर कोई बंदा हमसे लेना चाह रहे तो ये 50,000 रुपये। अच्छा जी। तो मैगजीन इसके अंदर यही लगेगा? मैगजीन इसके अंदर छोटा भी लग जाता है, लेकिन ये मैंने ऐसे शौकिया तौर पे बड़ा मैगजीन लगाया। जी 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 जी। वो कुछ दिखाने का है सर कुछ? अब आपको सर मैं आपको फार्म मेड के दिखा दूंगा। हाँ जो चीज़ आपके पास है वो अच्छी सी कोई चीज़ दिखाइए। सैयद फार्म मेड के निकालो, 4-5 पिस्तलें निकालो, तुर्की का निकालो, ब्राज़ील का निकालो। PT-917 निकालो। G3 में दूसरा कलर निकाल दो, G3C। रिवॉल्वर भी पड़ा पीछे सर? ये तो बस हमारे पाकिस्तान का पुराना मॉडल बस वो भी मैं एक दफा दिखाया। अच्छा है ना, दिखा दिया।
इसका अब शौक़ ख़त्म हो गया हर बंदे का। व्यूअर्स ये देखें, ये एक पुराना एक रिवॉल्वर पड़ा है इनके पास, पुराना रिवॉल्वर है ये। कितना पुराना है ये, कौन से सन की है ये? तो बस जो पहले फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में असला बंदा तो उस सन का है सर, मतलब 47 के बाद। इसका हमें मालूम नहीं है लेकिन। अच्छा, तो इसके बुलेट्स वगैरह मिल जाते हैं? इसके बुलेट मिल जाते हैं सर। ये है फार्म मेड टोरस ब्राज़ील का पिस्तल है सर, ये ठीक कम्पैक्ट मॉडल है सर, ये मेड बाय ब्राज़ील, मेड बाई ब्राज़ील सर। ये G3C मॉडल है सर, ये कुछ ज़्यादा स्मार्ट। क्या प्राइस है इसके? ब्राज़ीलियन तुर्किश निकाल तुर्किश सर। इसका रेट आपको मिलेगा 135,000 रुपये आजकल के मार्केट में, जब माल आ जाता है या हमारे पास, तो अभी इसका रेट जो है 135,000 है, ठीक है। इसके अलावा जब माल शॉर्ट हो जाता है तो इसका रेट 2,00,000 तक भी चला जाता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल 135,000 है। एक ये हो गया सर, ये भी ब्राज़ील मेड है, PT 917। कलर वगैरह जिसके ख़त्म है बस इसका मॉडल सर, ये पुराना मॉडल है, ये थोड़ा सा मार्केट में महंगा हो रहा है। इसका अभी आजकल प्राइस चल रहा है 2,00,000 रुपये। 2,00,000 का इसका? अच्छा, तो फाइनल कितना होंगे ये? फाइनल सर बस इसी का यही 2,00,000 रुपये, हम ऐसे 2,10,000-2,20,000 चला लेंगे। ठीक है जी जी। स्टील वगैरह ख़राब तो नहीं होता पानी? नहीं नहीं, ये सर ये नीचे सिल्वर है ऊपर लोहा है। इसका कलर जो है मैन्युफैक्चरिंग बाकायदा सबसे ब्राज़ील का इम्पोर्टेड कलर ही है। अच्छा जी जी सर, ठीक है। ये सर ये है तुर्किश, तुर्की का बना हुआ पिस्तल है, फार्म मेड ZIG-14। क्या बात है, टर्किश ही है? जी जी, ये टर्किश है सर। ठीक है, क्या प्राइस है सर? ये 1,00,000 आजकल इसका रेट चल रहा है सर, 1,70,000 रुपये। ZIG-14 है ये? हाँ, ZIG-14। अच्छा ठीक है सर जी जी। अच्छा, और क्या दिखा रहे हैं आप? सर मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ये है ज़स्तावा, पुराना मॉडल, ये बना हुआ है सर सर्बिया का बना हुआ पिस्तल है सर। सर्बिया का बना हुआ ये है, 9 शॉट है सर ये। ठीक है जी, मेड बाय सर्बिया, मेड बाय सर्बिया। ये भी बिल्कुल वेट लेस ही है? बिल्कुल वेट लेस है सर। इसके अलावा फिर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ZIGANA T। ये टासिस कंपनी का बने हुए सर, मेड बाय तुर्की, मेड बाय तुर्की जी जी। अच्छा, इसे क्या प्राइस है सर? इसका सर आजकल रेट चल रहा है 1,80,000 रुपये। 81 जी जी। और ये कितना में मिल जाएगा? बस इसका यही 1,000-2,000-5,000 तक कम करवा सकते। ओके जी जी। हमारे चैनल के रेफरेंस का कोई आना चाहे ना तो उसको थोड़ा सा खास उनको कुछ जरूर जरूर स्पेशल डिस्काउंट देंगे, जरूर डिस्काउंट करेंगे सर। ठीक है। अच्छा, और सर बस यही है या और भी कुछ? और भी है सर हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पड़े हुए हैं माशाल्लाह से। जी जी, बस ये थोड़े बहुत दिखा दें, इसके बाद मैं आप लोग काफ़ी टाइम ले लिया। जी जी, मैं आपको दिखा दें तो ये है सर, ये कैनिक मॉडल है, कैनिक कंपनी का बना हुआ पिस्तल है सर, ये कम्पैक्ट मॉडल। ठीक है, पूरा सेट है इसका। जी जी सर, ये है कैनिक TP9, मेड बाय तुर्की। तुर्की बहुत एडवांस हो रहा है तुर्की कैनिक है। 22 ICR ठीक है। इसे क्या प्राइस है सर? ये आजकल सर 1,35,000। 1,35,000 है जी जी। ठीक, तुर्की में मुख्तलिफ रेट होते हैं, कम का भी मिल जाते हैं 1,10,000 से फिर टर्की का स्टार्ट है, 2,00,000 रुपये तक भी आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक, टर्की भाई डेकोरेशन के हिसाब से, फिर फायदारी के हिसाब से बाकायदा उन लोगों ने रेट दिया हुआ है। फायदारी तो ऐसे फार्म मेड में सबका अपनी जगह पर सही होता है, लेकिन डॉलर के हिसाब से या करेंसी के हिसाब से ऊपर डाउन होता है। ठीक है। अच्छा, और कुछ दिखाइए सर? ये जी दिखा देते आप। सुहेल सर, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, हम आपकी कीमती वक्त में से टाइम लिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, आपने फाइनली अपना एड्रेस बता दिया और अपना मोबाइल नंबर। हमारे दुकान का एड्रेस है लकी स्टार सदर का सर्जिकल मार्केट, शॉप नंबर 2, किंग ट्रेडर कॉरपोरेशन के नाम से हमारा शॉप है। नंबर भी बता दिए, 03420215285 मेरा नंबर। बहुत शुक्रिया सर।